कन्नौज में तेज बारिश के चलते निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज की दीवार अचानक गिर गई। इससे वहां काम कर रहे 6 मजदूर दब गए। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 4 मजदूर घायल हो गए हैं। इनमें से 2 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मलबे में दबे हुए लोगों को निकाला और सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज भिजवाया। प्लास्टर कर रहे थे तो हम लोग नीचे हते, मिस्त्री 7 मंजिल ऊपर हते, तो पेड़ फट गया, दीवार गिर गया, तो 2 लोग वहाँ खत्म हो गए, 2 यहाँ, 2 यहाँ से रेफर हो गया। 4 लोगों रेफर, कितने लोगों का है रेफर? 2 लोगों का, 2 लोगों का है। बताया गया है कि सभी मजदूर ऊपर की मंजिल पर काम कर रहे थे कि तभी बारिश होने लगी। बारिश में एक पेड़ गिरकर निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज की दीवार पर जा गिरा और दीवार गिर गई। इसकी सूचना पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दीवार के मलबे में दबे लोगों को निकाला, जिसमें एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। वहीं एक मजदूर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कोल्ड स्टोरेज बन रहा था ग्राम अनोगी में, तो अभी निर्माणाधीन था, उसमें प्लास्टर वगैरह के लिए उन्होंने वहाँ पे स्कैफोल्डिंग वगैरह बांधी थी, तो हम लोग मौके पर गए तो ये संज्ञान में आया कि वो ऊपर से जो है गिर जाने की वजह से उसके ऊपर दीवार पलट गई। उसमें जो है 6 मजदूर थे वो घायल हो गए थे, जिसमें से कुछ लोगों को जिला अस्पताल रेफ़र किया गया था, कुछ लोगों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। तो एक व्यक्ति जो जिला अस्पताल आया था उसकी डेथ हो गई, और उसके बाद में जो मेडिकल कॉलेज भेजे गए थे 5 व्यक्ति, 5 में से एक की और डेथ हो गई। शेष लोगों को जो है 4 लोगों को कानपुर के लिए रेफर किया गया है। अचानक हुए हादसे से मौके पर कोहराम मचा हुआ है, घायलों का इलाज जारी है। न्यूज़ डेस्क।